विभाग की जो है परिवहन समिति की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर है ना ये निर्णय हुआ हुआ है कि अभी जो जो मीटर भाड़े हैं वो रिक्शा के ना उनके कैलिब्रेशन जो करने के लिए जो दर है वो दर निश्चित हुई है, और दर निश्चित होने के लिए 16 रुपये दर निश्चित हुई है पहले 1.5 किलोमीटर के लिए मीटर का। उसमें ना एक जन हो या तीन जन हो या एक आदमी स्पेशल रिक्शा करके जा सकता है 16 रुपये में। एक एग्जाम्पल के लिए इसको अभी हम अगर समझने के लिए एग्जाम्पल ले तो जो है ना बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड है, आज जो जा रहे वे है 15-15 रुपये दे कर रहना जा रहे, 4 सीट बिठाते 60 रुपये रिक्शा है, उसके लिए रुकना पड़ता है जब तक के सीट नहीं आए। और अगर अगर मीटर से आप जाएंगे तो आप 16 रुपये में स्पेशल जा सकते हैं रिक्शा में, बगैर कोई धक्का मुक्की बगैर ये करे 16 रुपये जा सकते हैं। और अगर आपको इसको शेयर मीटर किया तो शेयर मीटर का रूल ऐसा है कि जो मीटर भाड़ा होता है उसका 1.5 पट, मतलब अगर 16 रुपये रिक्शा भाड़ा हो रहा है मीटर से तो 1.5 पट हो गया, तो वो हो गया 24 रुपये, 24 रुपये भागीला 3, मतलब 8 रुपये ही भाड़ा बनता है ऐसा देखा जाए नियम से। ये शेयर रिक्शा में तीन जन बैठो 24 रुपये में जाएगा, 8 ही रुपये भाड़ा बनता है, जो आज 15 रुपये दे रहे हो वो 8 रुपये पे आ जाता है वो डायरेक्टली नियम से। इसके लिए है ना पहले कोई समिति नहीं थी, कोई ये तय नहीं था, आज ये तय होके नागरिकों को इससे फायदा होगा उससे। और इसके कोई अनजान व्यक्ति अगर जलगांव शहर में आता है जी और किसी अनजान जगह पे वो जा रहा है तो मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो निर्दाश होकर उसमें बैठ सकता है। हाँ, मीटर के कारण है ना निर्दाश बैठ सकता है और रिक्शा वाले को भी इसमें फायदा है। पहले है ना नागरिक भी क्या करते थे जो यात्री है कि भाई मुझे है ना टावर जाने का है, टावर बोल के थोड़ा आगे चलो थोड़ा आगे चलो, वो टावर बोल के ना शनिपेट पहुँच जाता था। तो उसमें ना ये होता था कि ना रिक्शा वाले को भी मन संताप होता था चालक को कि अपने, तो ये दोनों का मन संताप बचेगा, भाड़ा ज़्यादा देना, जितना मीटर चलेगा उतना भाड़ा देना पड़ेगा उसको, उससे ना नागरिकों को भी और रिक्शा चालक है उसको ये फ़ायदा होगा कि उसका मेंटेनेंस बचेगा। और है ना जो तीन से पहले 4 सीट 5 सीट बिठाते थे अभी वो बंद होकर 3 सीट रहेगा, तो जो दूसरे रिक्शा वाले उनको भी रोजगार बढ़ेगा उसके बाद। इसके लिए जो है ना मैं ना पिछले ना 3 साल से पाठ पुरावा कर रहा था इससे कि ये चालू होना चाहिए, मैंने ना यहाँ तक के अंतिम में जिलाधिकारी और संबंधित व्यक्तियों को जो संबंधित अधिकारी है RTO है इनको सबको मैंने ना कोर्ट की नोटिसें भी इसके पहले दे चुका हूँ। मैं आज ना जो इनके पहले जो अधिकारी थे उन्होंने ढाढ़स नहीं किया हुआ है, मैं आज के जो जिलाधिकारी अविनाश ढाकने साहब हैं, लोहित मदाने RTO साहब हैं, SP साहब हैं, किरण मोरे साहब है जो ARTO है, इन सबका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ना शहर के हित के लिए अच्छा फैसला लिया हुआ है, मैं इनको इसके लिए बधाई देता हूँ।